नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। देश दुनिया की सही फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान जा रहे हैं हरिद्वार। आपको बताते चले, गंगा में मेडल फेंकने का कर दिया ऐलान। वहीं 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन भी होने वाला है, जानेंगे इसके बारे में कैसे बीजेपी की बढ़ा रहे हैं मुश्किलें। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, CDS जनरल बोड़े हैं मणिपुर हिंसा को लेकर, कहा बीजेपी द्वारा हिंसा भड़काई गई है, सारे राज खोल कर रख दिए गए हैं, जानेंगे इसके बारे में। चलते अगली एक और अपडेट निकल के रही है, आज अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो चुके राहुल गांधी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में देंगे सबसे पहले भाषण, भाजपा आई तिलमिलाए। सब खबरों को जानने वाले विस्तार से चलते एक और अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मिले कांग्रेसियों ने की मुलाकात, कहा भाजपाइयों से नहीं संभालने वाला है मणिपुर का हिंसा, आप संभालें, जानेंगे सब कुछ खबरें विस्तार से। वहीं राजस्थान को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, सचिन पायलट और गहलोत के बीच हुआ पैचअप। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने फिर से घेरा है केंद्र को। सब खबरों को जानने वाले विस्तार थे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा, देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले 24 अप्रैल से दिल्ली में धरना दे रहे अब पहलवानों ने अपना रुख बदल लिया है, अब पहलवान हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं, गंगा में अपना मेडल फेंकने का ऐलान कर दिया है। वहीं 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन भी होने वाला है, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताते चले, पहलवानों ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अपने मेडल को वो गंगा में विसर्जित करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने रविवार को जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के आयोजक और उनके समर्थकों पर दंगा करने तथा सरकारी कर्मचारियों के कामकाज में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं पुलिस ने पहलवानों को संसद भवन की ओर जाने से भी रोका, साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और साथ ही बताते चले उनको हिरासत में भी लिया गया है। अब साथ ही आप बताते चले, इन सब रुख के बाद पहलवानों ने भी हुंकार भरी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अपने मेडल को गंगा में विसर्जित करने जा रहे हैं। यही सब कुछ होने के बाद राकेश टिकैत लिख रहे हैं कि यह मेडल देश और तिरंगे किसान है, हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कम न उठाया जाए, राष्ट्रपति को मेडल सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये वृद्धभूषण द्वारा तुम्हें मेडल नहीं दिया गया है, ये आपकी साधना और तपस्या का एक परिणाम रहा है। आपको बताते चले, वही पहलवानों के साथ साथ अब संयुक्त किसान मोर्चे ने भी बलिदान किया है, 1 जून को देशभर में विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। और साथ ही आपको बताते चले कि 1 जून को जहाँ किसान पूरे देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब पहलवान प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाने लगे। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री जहां एक तरफ बेटियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वह नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और एक तरफ हमारे सबके ऊपर अत्याचार हो रहा था। बड़ी बात यह निकल के आ रही कि नए संसद भवन के उद्घाटन में शोषणकर्ता बृजभूषण भी बुलाया गया था, जो सफ़ेद कपड़ों में फ़ोटो खिंचवा रहा था। आखिर ये कौन सा न्याय है? यही वजह है कि ना तो वो प्रधानमंत्री को और ना ही राष्ट्रपति को देना चाह रहे हैं मेडल, गंगा में विसर्जित करने का ऐलान कर दिया है। चलती एक और अपडेट निकल के आ रही, मणिपुर हिंसा को लेकर CDS जनरल ने सब कुछ साफ कर दिया है, आखिर हालात क्यों नहीं हो रहे हैं ठीक, जानेंगे इसके बारे में। बड़ी खबर है, मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को पुणे में कहा कि राज्य में हालत सामान्य होने में अभी थोड़ा वक्त लगने वाला है। जनरल चौहान ने कहा है कि राज्य में हिंसा 2 जातियों के बीच संघर्ष का परिणाम रहा और इसका उग्रवाद से कोई लेना देना नहीं है, या एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, या कानून व्यवस्था का मामला रहा है, हम राज्य सरकार की मदद ले रहे हैं। और साथ ही 28 मई को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन ने बताया है कि राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद पुलिस एनकाउंटर में 40 लोग मारे गए हैं और CM का यह पूरी तरह से इंप्लीमेंट गलत बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा में शामिल सभी मिलिट्री नागरिकों को MK और AK-47 जैसे राइफलें इस्तेमाल की गई थी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 29 मई से मणिपुर का दौरा कर रहे हैं, खासकर इम्फाल पहुंचे और 1 जून तक वहां पर रहने वाले हैं। लेकिन आपको बताते चले, इसमें बड़ी खबर निकल के आ रही, CDS जनरल ने साफ कह दिया है कि नागरिकों द्वारा किसी भी तरह के MK-16 और खासकर AK-47 नहीं इस्तेमाल किया गया है, यह केवल और केवल राज्य में जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई रही उसका परिणाम रहा है और कुछ भी नहीं। अभी मणिपुर के हालात को व्यवस्थित होने में काफ़ी समय लगने वाला है और यही वजह रही है कि कांग्रेस ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि बीजेपी से मणिपुर की हालत संभालने वाली नहीं है, अब इसका जायजा राष्ट्रपति द्वारा लिया जाए। चलते अगली और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, अमेरिका दौरे के लिए राहुल गांधी हुए रवाना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले देने वाले हैं भाषण, जिसकी वजह से भाजपा ही तिलमिलाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमेरिकी दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, कार्यक्रम में कई जगह वो शिरकत करने वाले हैं।
राहुल गांधी कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले भाषण देने वाले, और साथ ही कांग्रेस की खुफिया सूत्रों का कहना है कि आज राहुल गांधी अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। एक सप्ताह के दौरे के लिए वो अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले हैं। साथ इसमें बड़ी खबर है कि भाजपा भी इन सब कार्यक्रमों से तिलमिला उठी है, क्योंकि पहले भी वो अमेरिका दौरे में रोड़ा बन रही थी, मामला पहुँचाई कोर्ट कि इन्हें वीजा ना दिया जाए, लेकिन उसके बाद आपको बताते चले कि NOC जारी हो गई है 3 साल के लिए, यानी राहुल गांधी कहीं भी आ जा सक रहे हैं, क्योंकि लंदन में जाने के बाद भाजपाइयों की सारी पोल खोल कर रख दिए थे, किस तरह से लोकतंत्र और संविधान की भारत में धज्जियां उड़ाए हैं। यही वजह है कि अमेरिका जाने के बाद फिर से भाजपा की नाक में दम हो चुका है। चलती अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां पर सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच खड़गे ने करा दिया है पैचअप। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही रार को अब खत्म कर दिया गया है। सोमवार को कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया था। यहां शाम को पार्टी के बड़े बड़े नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों नेताओं के मतभेद को पूरी तरह से खत्म कर दिया और इसे खत्म करने में भी सफल रहे। वहीं उन्होंने बताया कि सचिन पायलट अशोक गहलोत साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसके बाद बीजेपी को करारा झटका लगा है, क्योंकि लगातार प्रोपोगंडा फैला रहे थे कि राजस्थान में अब कांग्रेस के बीच ही मतभेद देखने को मिल रहा है। यानी वो यह ऐलान कर रहे थे कि अपनों में मतभेद के साथ इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी की सारी मेहनत पर पानी फिर चुका है, इस बार फिर से राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। राजस्थान के मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के समक्ष 4 घंटे तक वार्ता हुई है, और खासकर रैली और प्रचार को लेकर प्लान बनाए गए हैं। साथ ही जून के अंत के बाद रैलियां शुरू होने वाली हैं राजस्थान में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, NDTV में लगातार इस्तीफों की भरमार, एक बार फिर गोदी मीडिया के दबाव में आकर राजीव मखानी ने दे दिया इस्तीफा। बड़ी अपडेट है, राजीव मखानी 20 साल के लंबे समय कार्यकाल के बाद NDTV से इस्तीफा दे दिए हैं। वो मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में NDTV में कार्यरत थे। मेन रूप बताया जा रहा है इस्तीफा देने का कि गोदी मीडिया का दबाव बनाया जा रहा था, यानी केवल और केवल मोदी की खबरों को चलाया जाए। यही वजह रही है कि एक एक कर NDTV से सभी एंकर और खासकर एडिटर इस्तीफा देते आ रहे हैं। राजीव मखानी का कहना है कि मैंने ये फैसला अपनी विचारधारा से लिया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से निष्पक्षता से किसी भी तरह की खबरों को नहीं चलाया जा रहा था, केवल और केवल मोदी की खबरों को खासकर ट्रेंड कराया जा रहा था, पूरी निष्पक्षता की कोई भी खबरें नहीं होती थी। और यही वजह रही है रवीश कुमार के इस्तीफा देने की, यही वजह रही अब राजीव मखानी के भी इस्तीफा देने की। एक तरफ हीटम और रिवॉर्ड ने अडानी समूह को करारा झटका दिया, दूसरी तरफ देखा जाए तो NDTV भी पूरी तरह से लड़खड़ाती नजर आ रही है। अब चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, सिसोदिया को लगा है करारा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है गंभीर आरोप है, जमानत नहीं मिलने वाली है। अबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत तो नहीं मिलने वाली है। वहीं कोर्ट ने मंगलवार को उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। सिसोदिया की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया पर लगे आरोप काफी ज्यादा गंभीर और प्राकृतिक रूप से सही है, यही वजह है कि उन्हें जमानत जल्दी तो नहीं मिलने वाली है। कोर्ट ने इस बात को देखते हुए अब एक उच्च पद मौजूद कर दिया है, जिसके बाद उनको कहीं से भी अब जमानत नहीं मिलने वाली, यानी हाईकोर्ट नहीं बजाय वो अगर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं तो भी जमानत तो नहीं मिलने वाली। साथ ही बताते चलें कि सबको लेकर 31 मार्च को याचिका दायर की गई थी कि सिसोदिया को जमानत दी जाए, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया। अब किसी भी तरह से सिसोदिया को जमानत तो नहीं मिलने वाली है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, अध्यादेश के खिलाफ केंद्र की रार पर अब आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए हैं CPM। बड़ी अपडेट है, दिल्ली के अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल भिन्न भिन्न नेताओं के समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को केजरीवाल ने CPI के महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संजय यादव, राघव चड्ढा और अतिशी मौजूद रही। वहीं CPM की तरफ से सीताराम येचुरी ने यह दावा किया है कि वो अध्यादेश के खिलाफ आपके साथ हैं। बैठक में संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार का समर्थन करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं, और खासकर अध्यादेश की निंदा कर रहे हैं और यह असंवैधानिक रहा है और कोर्ट की अवमानना की जा रही है। यानी पहले भी कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को शक्तियाँ सौंप दी जाएं, लेकिन केंद्र ने फिर से उन पर दबाव बनाया और पोस्टिंग और ट्रांसफर का सारा जायजा अपने कब्जे में कर लिया। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चलते हैं, बड़ी खबर है यूपी से, बड़ी खबर निकल के आ रही है, अखिलेश ने अपनी रणनीति बदल दी है लोकसभा चुनाव को लेकर, इस बार हिंदुत्ववाद पर चुनाव लड़ना चाहेंगे।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं और वो हिंदुत्व पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। अब पार्टी कई मंदिरों में हवन पूजन कराने की ट्रेनिंग ले रही है, क्योंकि खास बात निकल के आ रही है कि सन 2024 की शुरुआत में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकना चाहेंगी। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और बीजेपी खासकर सन 2024 में भी राम मंदिर का उद्घाटन कराना चाहेगी, क्योंकि अब कोई खास एजेंडा बचा नहीं है चुनाव का और वो राम मंदिर के जरिए अपने वोटरों को साधना चाहेगी। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव भी अपनी रणनीति बदलते नजर आ रहे हैं, वो भी राम मंदिर के उद्घाटन में जाने वाले हैं और खासकर वो भी एक नए चुनावी मुद्दों के साथ समाज में उतरने वाले हैं। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है बताते चले। हरियाणा में भी दिखेगा आम आदमी पार्टी का दमखम, 8 जून को मेगा रोड शो होने वाला है। राजस्थान के बाद हरियाणा में भी रैली करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। देश के 4 राज्यों में चुनावी कैंपेन कर रही है आम आदमी पार्टी और हरियाणा में भी चुनावी आगाज करने वाली है पार्टी ने। इसके लिए 8 जून को राज्य की राजनीति का केंद्रबिंदु कहे जाने वाले जिन में मेगा शो का आयोजन करने वाली है। इस रैली में पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद होने वाले हैं। खास बात निकल के आ रही है कि आम आदमी पार्टी देश के 4 राज्य हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा में पहले 3 राज्यों में चुनाव होने वाला है, यानी कि हरियाणा की बजाय देखा जाए तो चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नज़दीक है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय तो वैसे भी नजर आ रही है, लेकिन वो खासकर फोकस है। और अब निकल के आ रही है आम आदमी पार्टी से दोस्ती की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस को लगातार सरकार के प्रदेश के कानून को लेकर रोक लगाने के लिए विपक्षी दल को एकजुट